नमस्कार, मेरा नाम जयेश कुमार शर्मा है और मैं आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के सत्र में जो चर्चा का विषय है वो है वेबसाइट कंपोनेंट डेवलपमेंट, यानी कि वेबसाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी मदद से हम वेबसाइट को किस तरह से अच्छा या इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आज के सत्र में हम लोग सीखेंगे कि मॉडर्न वेब प्रोग्रामिंग या मॉडर्न वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं, कौन कौन से वेबसाइट लेआउट्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने वेब पेज और वेबसाइट्स को इफेक्टिव बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नेविगेशन और मेन्यूज़ बार कौन कौन से होते हैं जो हम वेबसाइट के अंदर डाल सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग आखिरी में देखेंगे कि किस तरह से हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से अपनी वेबसाइट को फास्ट तरीके से बना सकते हैं या बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के भी बना सकते हैं। तो हम लोग आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग मॉडर्न वेब पेजेस। मॉडर्न वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। अगर हम मॉडर्न वेबसाइट्स की बात करें तो बेसिकली मॉडर्न वेबसाइट एक रिलेटिव फ्रेज है। रिलेटिव फ्रेज का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम मॉडर्न की डेफिनेशन बदल जाती है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई साइट 2010 में बनाई थी तो आज आप 2018 में उसको मॉडर्न नहीं कह सकते। उसका कारण है कि बहुत सारी नई चीज़ें जो 2010 से 2018 के बीच में आई हैं वो सारी चीज़ें उस वेबसाइट के अंदर नहीं होंगी। 2010 में वो साइट मॉडर्न हो सकती थी लेकिन 2018 में वो साइट मॉडर्न बिल्कुल नहीं होगी, तो उसको हमें दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा नए तरीकों से, नए टूल से, नई टेक्नोलॉजीज के साथ, तभी हम उसको मॉडर्न वेबसाइट कह पाएंगे। अब हम लोग आते हैं कौन कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें किसी वेबसाइट को डेवलप करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग बट लिमिटेड कलर पैलेट। जो हम कलर स्कीम चूज करते हैं, जो हम कलर स्कीम सेलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो कलर स्कीम हमें बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करनी चाहिए। कई बार बहुत सारे प्रोग्रामर बहुत सारी कलर स्कीम यूज़ करते हैं, वेब पेजेस को बिल्कुल रंग बिरंगा बना देते हैं, लेकिन उससे पूरे वेब पेज या वेबसाइट का लुक खराब हो जाता है। अगर आप अच्छी कंपनियों की वेबसाइट देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कंपनीज बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करेंगी, दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन कलर का इस्तेमाल होता है डिज़ाइन करने में, एलिमेंट्स को या वेब पेज को डिज़ाइन करने में इससे ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई वेब पेज बना रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, रंगों का इस्तेमाल नहीं करना है, दो या तीन अच्छे कलर आपको सेलेक्ट करने हैं और उसी में आपको अपनी पूरी वेब पेज या वेबसाइट को डेवलप करना है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं। ये पहली वेबसाइट का जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये apple.com का है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ दो कलर में पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। इसी तरह से ये microsoft.com की साइट का स्नैपशॉट मैंने लिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी बहुत ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला बेस्ट प्रैक्टिस अगर हम वेब पेज डेवलपमेंट की बात करें तो हमें अपने कलर सेलेक्शन में बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेने हैं, सिर्फ दो या तीन कलर में ही पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। इसके बाद आता है प्रॉपर यूज ऑफ वाइट और एम्प्टी स्पेस। कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं और वो एक ही पेज पे सारे कंटेंट हमें दिखाई देते हैं, उसमें क्या परेशानी होती है? परेशानी ये होती है कि उसमें अगर मुझे कोई कंटेंट ढूंढना है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। दूसरे, जो उसके अंदर कंटेंट्स हैं वो सब इतने पास पास होते हैं कि वेबसाइट का लुक खराब हो जाता है। तो हम लोग वेबसाइट के साथ वाइट स्पेस या एम्प्टी स्पेस यूज़ करते हैं, यानी कि पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ के बाद, नेविगेशन बार के बाद कुछ वाइट स्पेस होना चाहिए। लेकिन वाइट स्पेस का या एम्प्टी स्पेस का इस्तेमाल हमें बहुत केयरफुली करना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए। अगर हम वाइट स्पेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे तो वो लुक एंड फील को वेबसाइट के ख़राब कर देगा। वाइट स्पेस हमें क्लीन डिज़ाइन प्रोवाइड करता है जो कि डाइजेस्टिबल है और ऑर्गेनाइज दिखाई देती है जिसकी हेल्प से साइट। इसके अलावा वो रीडर्स को हेल्प करता है जिससे कि वो अपने वेब पेजेस को इजीली नेविगेट कर सकें। तो दूसरा फंडामेंटल आप ध्यान रखिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कि आपको कभी भी अपने वेब पेज को बहुत क्राउडेड नहीं बनाना है, यानी एक जगह पे सारे कंटेंट नहीं डालने हैं, उसमें आपको वाइट या एम्प्टी स्पेस का यूज़ करना है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर हमें स्पेस छोड़ना ही है तो क्या हर बार हमें वाइट स्पेस ही छोड़ना होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो कलर स्कीम आपने यूज़ की है उस कलर स्कीम के हिसाब से आप एम्प्टी स्पेस छोड़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा बेस्ट प्रैक्टिस जो आता है वो है रिलीवेंट कॉल ऑफ एक्शन। रिलीवेंट कॉल ऑफ एक्शन मीन्स कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे बटन होने चाहिए जिससे कि वेबसाइट का यूज़र आपकी वेबसाइट से प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सके, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस। अगर आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर कॉन्टैक्ट अस नहीं डाल रहे हैं तो कोई भी आपसे संपर्क नहीं कर सकता। इसी तरह से लाइक और शेयर, अगर आप देखेंगे तो आजकल हर वेबसाइट का लिंक होता है सोशल मीडिया के साथ,
यानी अगर आप उसकी पोस्ट को लाइक करना चाहते हैं तो फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से आप उसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको फेसबुक या ट्विटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं वेबसाइट के साथ। इसके बाद वीडियो इंटीग्रेशन, आप देखते हैं कि बहुत सारी साइट के अंदर यूट्यूब के साथ कनेक्टिविटी रहती है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट पर जाके वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका इंटीग्रेशन यूट्यूब के साथ कर सकते हैं, जो आपकी वेब पेज या वेबसाइट की इफेक्टिवनेस को और बढ़ाता है। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे कि मैंने कई कॉल ऑफ एक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, कॉल टू एक्शन लिखे हुए हैं, जो किसी भी वेबसाइट के लिए, मॉडर्न वेबसाइट के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं अपने वेब पेजेस के साथ। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है क्लीन कोडिंग। बिना प्रोग्रामिंग के हम लोग इस तरह के वेब पेज या वेबसाइट के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो एक अच्छी वेबसाइट या वेब पेज के पीछे एक प्रोग्रामर का बहुत एफर्ट होता है, बहुत मेहनत होती है, तो वहाँ पर उसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वो कोड लिख रहे हैं वो कोड उनका क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब है कि वो अच्छे तरीके से लिखा हो, जिससे कि दूसरा आदमी उसे पढ़ सके, कोई नया प्रोग्रामर उसे पढ़ सके और बाद में वेबसाइट को प्रॉपरली मेंटेन भी कर सके। अगला पॉइंट आता है डिज़ाइन फॉर द यूज़र फर्स्ट। कई बार कंपनीज यूज़र की चॉइस को ध्यान में ना रखते हुए अपने हिसाब से वेब पेज डिज़ाइन कर देती हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका प्राइमरी टारगेट जो है वो यूज़र है, जो उस वेबसाइट या वेब पेज को व्यू कर रहा है। तो हमेशा जब भी आप लुक एंड फील की बात करते हैं तो आपको यूज़र को ध्यान में रखते हुए लुक एंड फील डिसाइड करना है वेब पेज का, ना कि आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से। इसके बाद अगला पॉइंट जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, SEO बूस्टिंग एलिमेंट्स। SEO क्या होता है? SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अक्सर गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो जो पहला, दूसरा या तीसरा रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिम्मेदार है। आप भी अपनी साइट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से अपने वेब पेज या वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि SEO बूस्टिंग एलिमेंट का इस्तेमाल हम अपनी वेबसाइट में करें। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें मदद करते हैं, जैसे कि मेटा टैग, टाइटल टैग, हेडिंग टैग। मॉडर्न वेब पेज डेवलपमेंट की अगली बेस्ट प्रैक्टिस है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो वेबसाइट के यूज़र हैं, जो आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहे हैं, उनके सिस्टम पे आपका वेब पेज तेज़ी से खुलना चाहिए, यानी बहुत ही कम टाइम लेना चाहिए खुलने में। जनरली यूज़र कुछ समय के लिए वेट करता है, कुछ सेकंड्स वेट करता है, और अगर आपकी साइट नहीं खुल रही है तो फिर वो आपकी साइट बंद कर देता है, फिर उस पर कभी भी रिटर्न नहीं आता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखिए। स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक फोटोग्राफ्स या इमेजेस ज़िम्मेदार होते हैं, तो ध्यान रखिए कि जब भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट आपको यूज़ करने हैं। कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट कौन से होते हैं? JPG और PNG, जो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसका कारण यह है कि ये बहुत ही कम स्पेस के अंदर इमेज को सेव करते हैं, तो जिससे आपकी वेबसाइट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज हो सकती है। इसके बाद जो सबसे अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। आज के समय में जहाँ हर आदमी वेबसाइट को अपने मोबाइल पर देखना चाहता है, लैपटॉप पर देखना चाहता है, डेस्कटॉप पर देखना चाहता है, मोबाइल भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन, अलग अलग साइज़ के हैं, ऐसे में अगर आपकी वेबसाइट उन सारे साइज़ और रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगी तो आपकी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट नहीं है। और इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, डिवाइस के हिसाब से वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। जैसे ही मैं वेबसाइट खोलता हूँ और अगर वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है तो मेरे मोबाइल रेजोल्यूशन या साइज़ के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट अपने आप एडजस्ट हो जाती है और मुझे एक अच्छे तरीके से दिखाई देती है। अगर वो साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसका लुक एंड फील ख़राब हो जाता है और वो एक बहुत ही ख़राब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हो जाती है मॉडर्न वेब पेज डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, हमेशा आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं अलग अलग प्रकार के लेआउट्स पे जो किसी वेबसाइट में होते हैं। आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट बनती हैं या वेब पेज बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के लेआउट्स में बनते हैं। अलग अलग प्रकार के लेआउट का मतलब है कि उनका कंटेंट प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो एक जनरल लेआउट जो मैंने यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो ये एक वेबसाइट के टिपिकल लेआउट की बात करता है। इस लेआउट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने डाली हुई हैं? सबसे पहले डाला हुआ है हेडर, यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर एक हेडर होना चाहिए। उसके बाद नेविगेशन मेन्यू, हेडर के नीचे नेविगेशन मेन्यू होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो कंटेंट पार्ट है, उस कंटेंट पार्ट को हमने तीन सेक्शन में डिवाइड किया है, तीन कॉलम में डिवाइड किया है। जरूरी नहीं है कि कंटेंट पार्ट को हम तीन कॉलम में ही रखें, कई जगह इसको सिंगल कॉलम, टू कॉलम में भी रखा जाता है।
कंटेंट के बाद हमारे पास होता है फुटर, जो कि वेबसाइट के सबसे आखिरी में होता है। तो जो हमने कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए वेबसाइट लेआउट के अंदर, वह हुए हेडर, नेविगेशन मेन्यू, इसके अलावा कंटेंट्स। कंटेंट के साथ आप एक साइड नेविगेशन बार भी दे सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में हमने देखा था कि हमारे पास तीन कॉलम थे कंटेंट के लिए, बीच में हमने मेन कंटेंट रखे हुए थे और साइड में हमने सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ था। साइड कंटेंट्स की जगह हम लोग यहाँ पर एक नेविगेशन बार भी ले सकते हैं, मेन्यूज भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फुटर। ये कुछ सैंपल्स यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। इस सैंपल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस चित्र के अंदर जो सबसे टॉप आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ सोशल मीडिया के लिंक लगे हुए हैं, बेसिकली इसी पार्ट को हम कहते हैं हेडर। हेडर के साथ बहुत ज़रूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है वहाँ उसका लोगो भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि नीचे का कुछ हिस्सा भी हमने हेडर में शामिल किया हुआ है। हेडर के नीचे हमारे पास है नेविगेशन बार, यहाँ पर 6 मेन्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार या हॉरिजॉन्टल मेन्यू, जिसके अंदर हम डिफरेंट मेन्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। नेविगेशन बार हमें हेल्प करता है वेब पेजेस तक पहुँचने में, यानी कौन सा वेब पेज हमें देखना है वो हम नेविगेशन बार की हेल्प से देख सकते हैं। नेविगेशन बार के बाद हमारे पास नीचे एक बैनर है और उस बैनर के नीचे हमारे पास मेन कंटेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं कंटेंट सेक्शन पर। कंटेंट सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने तीन कॉलम का कंटेंट लिया हुआ था, तो तीन तरीके से कंटेंट हम लिख सकते हैं किसी वेब पेज के अंदर। वन कॉलम कंटेंट का मतलब है कि आपके पास जितने भी कंटेंट हैं या जो भी टेक्स्ट मैटर है या जो इमेजेस हैं, वो आपको एक सिंगल कॉलम के अंदर ही कंटेंट सेक्शन में रखनी है। दो कॉलम का मतलब है आप कंटेंट सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर दो कॉलम बना रहे हैं और उसमें आप इमेजेस और कंटेंट को प्लेस कर सकते हैं। तीसरा है थ्री कॉलम, जो कि अभी हमने अपने उदाहरण में देखा था। यहाँ पर हमने अपने कंटेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ था तीन कॉलम के फॉर्मेट में, जहाँ हम मेन्यूज, इमेजेस और टेक्स्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से या लुक एंड फील के हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट लेआउट में आखिरी सेक्शन जो होता है वो है फुटर। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है फुटर का। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस फुटर के अंदर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। पहला है अबाउट अस, जहाँ हमने थोड़ा सा कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कई वेबसाइट फुटर के अंदर गूगल मैप इंटीग्रेशन भी करती हैं, वो कुछ एडिशनल हाइपर लिंक्स भी प्रोवाइड करनी है जो वेबसाइट के बाहर जाने में या किसी और साइट को एक्सेस करने में हमारी मदद करते हैं। उसके अलावा साइन अप फॉर न्यूज़लेटर या सब्सक्राइब करने की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत सारी कंपनीज फुटर के माध्यम से ही प्रोवाइड करती हैं। अगला टॉपिक है नेविगेशन। नेविगेशन मींस जो हमें वेब पेजेस को एक्सेस करने में किसी यूज़र को मदद कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने नेविगेशन बार अपने उदाहरण में देखा था तो यहाँ पर हमने 6 मेन्यू आइटम यूज़ किए थे मेन्यू के अंदर। तो नेविगेशन आपको मदद कर रहा है कि आप एक पेज से दूसरे पेज तक आसानी से जा सकें। तो हमारे पास कुछ नेविगेशन के टाइप्स होते हैं जो आप वेबसाइट में डाल सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट में आपको अलग अलग टाइप दिखाई देंगे। पहला है साइड बार स्टैटिक मेन्यू। साइड बार स्टैटिक मेन्यू का मतलब होता है, इनको हम वर्टिकल मेन्यूज भी कहते हैं, वेबसाइट के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप मेन्यू रख सकते हैं और ये एक के नीचे एक मेन्यूज होते हैं। इसके अंदर आप सब मेन्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है साइड बार स्टैटिक मेन्यू। साइड बार मीन्स कि आप उसको साइड में प्लेस कर रहे हैं, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड या राइट साइड में। इसके बाद आता है जो आजकल बहुत कॉमन मेन्यू टाइप है, हैमबर्गर मेन्यू। अगर आप आजकल की मॉडर्न वेबसाइट्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लगभग सभी साइट्स में हैमबर्गर मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। हैमबर्गर मेन्यू क्या है? कोलैप्स मेन्यू बटन होता है, जिसको हम हैमबर्गर बटन भी कहते हैं, जो जनरली आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर प्लेस होता है। अगर आप देखेंगे वेबसाइट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर तो आपको तीन लाइन दिखाई देती हैं। अगर आपको वो तीन लाइन दिखाई दे रही है मेन्यू की जगह, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर हैमबर्गर मेन्यू यूज़ हुआ है। जब आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मेन्यू बार या नेविगेशन बार खुल के सामने आ जाता है और थोड़ी देर बाद वो वापस हाइड हो जाता है। ये हैमबर्गर मेन्यू का प्रकार है जो आजकल की सभी मॉडर्न वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। इस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको टॉप लेफ्ट साइड पर हैमबर्गर मेन्यू दिखाई देगा। अभी इसके अंदर कोई भी मेन्यू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस हैमबर्गर मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद ये ऑप्शंस आपके छिप जाएंगे और वापस आपके पास सिर्फ एक आइकन रह जाएगा जो कि हैमबर्गर मेन्यू का आइकन होगा। तो हैमबर्गर मेन्यू मॉडर्न वेबसाइट डिजाइनिंग में
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हैमबर्गर मेन्यू हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रकार है टॉप नेविगेशन बार। टॉप नेविगेशन बार जनरली हमारा हेडर के नीचे होता है और इसको हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार भी या हॉरिजॉन्टल मेन्यू बार भी कहते हैं। इसमें हमारे सारे मेन्यू आइटम्स हॉरिजॉन्टली एक के साथ एक प्लेस्ड होते हैं और इसके अंदर हम सब मेन्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग आते हैं आखिरी टॉपिक जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा टूल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक नॉन टेक्निकल पर्सन, एक नॉन टेक्निकल आदमी को अपनी खुद की वेबसाइट बनाने में मदद करता है। अगर मुझे किसी भी वेब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो मुझे वेबसाइट बनाने के लिए एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होगी। तो बिना जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस की जानकारी के मैं अपनी वेबसाइट खुद बना सकता हूँ। सामान्यतः इंडस्ट्री में दो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, पहला है वर्डप्रेस और दूसरा है जूमला। इन दोनों में से किसी भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से आदमी अपनी खुद की वेबसाइट बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के बना सकता है। इस सत्र में हमने देखा कि अगर हम लोग मॉडर्न वेब पेज को डेवलप कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें कलर स्कीम से लेके रिस्पॉन्सिवनेस से लेके वाइट स्पेस तक का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हम लोगों ने देखा वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कौन कौन से लेआउट होते हैं। इसमें तीन लेआउट हमने शामिल किए थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और थ्री कॉलम। इसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के नेविगेशन और मेन्यू बार देखे और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से एक नॉन टेक्निकल आदमी को वेबसाइट बनाने में मदद करता है इसके ऊपर चर्चा की। अगले सत्र में हम लोग सर्वर प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।